The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, namaskar, adab, sat sri akal, dosto. Main hu Dr. Paramjeet. Aap dekh rahe hain Dr. Education. दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में। अब ये क्या है, ये क्या बला है, ये आपके आसपास बहुत सारे लोगों को ये बीमारी है। बहुत सारे बीमारी ऐसे लोग हैं जिनको ये सिंड्रोम है, जिनसे उनके बीमार होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये क्या चीज़ है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज बेसिकली एक ग्रुप है रिस्क फैक्टर्स का, एक रिस्क फैक्टर्स का ग्रुप है जो एक साथ आपके हार्ट अटैक, स्ट्रोक और डायबिटीज, मोटापे के चांसेस बढ़ा देता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक और डायबिटीज टाइप 2 आपको आगे चल के हो जाएगा, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के रिस्क फैक्टर बताते हैं। तो अगर आपको ये बीमारी है, यानी कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। और ये भैया बहुत कॉमन है, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी बहुत अति कॉमन चीज़ है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसमें आते क्या क्या रिस्क फैक्टर है और क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ये बात करेंगे। द मोस्ट कॉमन, सबसे ज़रूरी रिस्क फैक्टर क्या है और उसको कैसे ठीक करना है, राइट? ये बात याद रखिए, इसमें जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, वो है मोटापा, ओबेसिटी। यानी सारे जितने रिस्क फैक्टर्स हैं ये एक्चुअली मोटापे के इर्द गिर्द हैं, मोटापे के इर्द गिर्द हैं। मोटापा जो सबसे कॉमन हो रहा है, सबसे ज़्यादा हो रहा है, आधे से ज़्यादा लोग जो देख रहे हैं वो मोटे हैं, जो होने वाले हैं कई सारे। सो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर टू, सबसे दो सबसे बड़े रिस्क फैक्टर जो हैं, पहला सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर एक्स्ट्रा वेट अराउंड द मिडल एंड अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी, विच इज़ कॉल्ड सेंट्रल ओबेसिटी। अगर आप ह्यूज बॉडी बिल्डर है, आपका वजन ज़्यादा है, तो वो मायने नहीं रखता। सेंट्रल ओबेसिटी का मतलब है जब फैट, आपका फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, आप भाई साहब, आपकी शेप ऑफ बॉडी जो है वो ऐसा एप्पल शेप, पियर शेप, व्हाटएवर यू कॉल इट, बीच से मोटी है, तो वो बहुत मायने रखता है इसमें। सेंट्रल ओबेसिटी मिडिल पार्ट, अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी में ज़्यादा है, तो वो सबसे बड़ी सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है यानी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का। मतलब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों आपको हार्ट अटैक आएगा, स्ट्रोक आएगा, डायबिटीज़ होगा। नंबर दो रिस्क फैक्टर जो सबसे बड़ा इसमें है, जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम में इंक्लूड करते हैं, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन वो हार्मोन है जो आपका पेनक्रियाज बनाता है, जो आपके शरीर में जाने वाली शुगर को ब्लड से आपके सेल्स में लेके जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट शुगर इकट्ठा हो होके अंदर जाके आपको मोटा कर रही है। सो यही सिस्टम को रोकने के लिए अल्टीमेटली मोटापे से शुरू होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपकी बॉडी कहती है बस, मुझे और शुगर अंदर नहीं डालनी, मेरे पास बहुत पैसा है, अब आपका इंसुलिन जो है वो कम काम करे ताकि वो शुगर अंदर ना लेके जाए। तो धीरे धीरे आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और आपको होने लगता है डायबिटीज़। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड रिस्क फैक्टर है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इससे ये कैसे पता चलेगा? आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लग जाएगा, आप प्री डायबिटिक हो जाओगे, प्री डायबिटिक फिर डायबिटिक। सो इससे आपका मोटापा भी हो रहा है, ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ रहा है। ये नंबर दो रिस्क फैक्टर। नंबर तीन रिस्क फैक्टर आगे चल रहे हैं, रिस्क फैक्टर नंबर तीन है एजिंग। उम्र के साथ ये दोनों चीज़ें नहीं भी हो, उम्र के साथ आपका रिस्क हार्ट अटैक का, कार्डियक अटैक का, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। चौथा रिस्क फैक्टर है जीन्स, जी हाँ, जेनेटिक। जेनेटिक्स आपके हेरिडेटरी कंडीशन, अगर आपको पहले फैमिली में हार्ट अटैक हुआ है तो आपको चांस है। यहाँ तक बोला जाता है कि अगर आपके फादर या मदर को 40, 50 या 60 साल की उम्र में हुआ है तो आपको 10 साल पहले 50 की उम्र में आने का रिस्क है। तो आपकी लाइफस्टाइल और आपका जो जो इन्वायरमेंट है उनसे अच्छा नहीं है, उनसे ख़राब होते जा रहा है, राइट? और पाँचवा रिस्क है आपका स्ट्रेस हार्मोन का। मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन और स्ट्रेस हार्मोन, ये तीन हार्मोन्स
यानी कि टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और कॉर्टिसोल, ये तीन बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इनके अंदर गड़बड़ी बहुत मेजर प्रॉब्लम करती है। कॉर्टिसोल इतना ज़रूरी है, मैंने पिछली बार कॉर्टिसोल का वीडियो बना के बताया था कॉर्टिसोल क्यों ज़रूरी है, लोगों को पता ही नहीं है कॉर्टिसोल क्या, स्ट्रेस हार्मोन क्या, उसको कम कैसे करना, वो बढ़ कैसे जा, उसका टेस्ट क्या है। बहुत ज़रूरी हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, ये तीन हार्मोन में गड़बड़ी आपकी प्रॉब्लम करने लग जाती है। स्ट्रेस हार्मोन सबसे ज़्यादा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम करता है, रिस्क फैक्टर बढ़ा देता है। छठा रिस्क फैक्टर है लैक ऑफ एक्सरसाइज। जी हाँ, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं करने वाले को मोटापा भी आएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आएगा और कॉर्टिसोल स्ट्रेस भी बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन भी कम होगा, तो दैट इज़ द थिंग। सो ये सारे रिस्क फैक्टर आप में हैं या इनमें से पहले दो भी हैं सिर्फ या इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं, तो आप भाई साहब मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, आपके रिस्क फैक्टर हैं, तब क्या होगा, तब आपकी ब्लड के अंदर क्लॉट बनने का खतरा बढ़ जाएगा। सो ब्लड क्लॉट का खतरा आपका बढ़ जाएगा, आपके अंदर ब्लड के अंदर इन्फ्लामेशन का खतरा बढ़ जाएगा, इंक्रीज लेवल ऑफ साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन थ्रू आउट द बॉडी, एथरोस्क्लेरोसिस यानी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट बढ़ जाएगा, इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगा। अगर ऐसे पेशेंट को कोरोना होता है तो उसकी बीमारी का भी इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, उसकी जान जाने का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके साथ आपको क्या आ सकता है आगे चल के, यूरिन में अल्ब्यूमिन आ सकता है। यूरिन में अल्ब्यूमिन, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन योर यूरिन। सो ये ट्रेसेस, ये दूसरे फैक्टर्स हैं जो साथ में लिंक्ड हैं, यूरिन में अल्ब्यूमिन, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग और इन्फ्लामेशन इज हाई इन द बॉडी। इसको कैसे डिटेक्ट करें कि आपको है कि नहीं है, कैसे पता करें? हेल्थ एग्जामिनेशन से पता चल जाएगा भैया आप मोटे हो, आपकी सेंट्रल ओबेसिटी है। आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा, क्या क्या चेक किया जाएगा, आपका ब्लड शुगर हाई है तो आपको गड़बड़ है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हाई है तो भी आपको रिस्क है। सो क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं? मेटाबॉलिक सिंड्रोम तब डायग्नोस होता है जब आपको या तो तीन या तीन से ज़्यादा साइन हो, इनमें से पाँच में से तीन, पाँच में से तीन कौन से? नंबर एक, या तो आपका ब्लड प्रेशर 130/85 130/85 से ऊपर हो, या फिर आप बीपी की मेडिसिन लेते हो, तो लेते हो तो ऑलरेडी आपका ऊपर ही होगा, है ना, यानी आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो। नंबर दो, आपकी फास्टिंग शुगर 100 या 125 के रेंज में नहीं है, फास्टिंग शुगर 100 या 25 के 125 से रेंज में, मतलब 125 100 से ऊपर हो, तो 100 से ऊपर फास्टिंग शुगर हो, ये कायदा कहता है, वैसे तो 125 के ऊपर होना चाहिए, 100 से ऊपर आपकी फास्टिंग शुगर है, या फिर आपको डायबिटीज़ के लिए ऑलरेडी डायग्नोस किया हुआ है, डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हो, नंबर दो। नंबर तीन, तीन कौन सा आएगा, तीसरा है अगर आपका वेस्ट का, कमर का सरकमफ्रेंस, कमर की विथ क्या साइज, कमर का साइज जो है मेन के लिए 40 इंचेस यानी 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, या फीमेल के लिए 35 इंचेस 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा, अगर ऐसा है तो आपका लार्ज वेस्ट हो गया, तो वो तीसरा फैक्टर आ गया। अगर ये तीनों है तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। चौथा चीज़ है HDL कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, अगर गुड कोलेस्ट्रॉल आपका 40 से कम है, फीमेल का 50 से कम है, या फिर आप कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा लेते हो तो रिस्क फैक्टर है। कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा लेते हो मतलब मान सकते हैं कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, और गुड कोलेस्ट्रॉल 40 से कम है या 50 से कम है मेल फीमेल में, तो मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हाई, गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ अगेन पुटिंग यू इन द रिस्क। सो आपका बीपी हाई है, शुगर हाई है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, रिस्क। पाँचवा फैक्टर है इसमें जो है फास्टिंग लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है 150 से ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड लेवल आपका 150 से ज़्यादा है फास्टिंग, या आप ट्राइग्लिसराइड कम करने की दवा ले रहे हो, तो आप रिस्क में आते हो। तो ये चार, ये पांच चीज़ों में आपको तीन भी है कोई भी, तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो मतलब आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों स्ट्रोक, हार्ट अटैक, डायबिटीज़ होने वाला है। तो बहुत बहुत संतुलन वाली बात है भैया, ये देखो इसको, इसको ठीक करो। इसको ठीक करने के लिए क्या करोगे, ट्रीटमेंट कैसे करोगे इसका? यू हैव टू लूज वेट, यू हैव टू लूज 7-10% ऑफ योर करंट वेट,
मतलब आपको दिन में 500 से 1000 कैलोरीज कम खानी पड़ेगी, 500 से 1000 कैलोरी कम खानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में आपको एक हफ्ते में 150 मिनट यानी डेढ़ घंटा डेढ़ ढाई घंटा एक्सरसाइज करनी है, 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है, मतलब 30 मिनट रोज़ का कर लो, 20 मिनट रोज़ का कर लो, 20-30 मिनट रोज़ का एक्सरसाइज करनी है। कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको कम करना है, हेल्दी फूड खा के, वेट लॉस करके, एक्सरसाइज करके, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन लेके, कैसे भी, और ब्लड प्रेशर को मैनेज रखना है, सॉल्ट कम रख के, वेट कम करके, एक्सरसाइज करके, दवाई लेके, जैसे भी, वज़न कम रखना है, शुगर कम रखना है, वेट कम रखना है, एक्सरसाइज करनी है, अच्छा खाना खाना है। और अगर आपको इनमें है मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो आपको प्रिवेंशन के लिए उम्र के हिसाब से, रिस्क फैक्टर के हिसाब से, कुछ लोगों को इकोस्प्रिन एस्पिरिन भी दी जा सकती है जो हार्ट अटैक के प्रिवेंशन के लिए करते हैं। और इसके ऊपर अगर आप स्मोकिंग करते हो तो फिर सोने पे सुहागा, फिर तो आपका इट्स टाइम टू क्विट, ख़त्म करिए स्मोकिंग और भैया सुधर जाओ, वरना जो होगा सो होगा, है कि नहीं। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, पीपल आर देयर आपके फैमिली में, आपके घर के आसपास, आपके नॉलेज में जिनको ये सिंड्रोम है, उनको पता होना चाहिए कि सिंड्रोम क्या है, कितना खतरनाक है। जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उनको लॉन्ग टर्म रिस्क है, अगेन बता रहा हूँ, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, किडनी डिजीज, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है उनके पैरों में, लेग्स में, ब्रेन में, स्ट्रोक, सो इट्स नॉट वर्थ इट। सो प्लीज share this video, please. Thank you so much. This is Dr. Paramjeet, and for such videos, stay connected, stay healthy.